हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम का नेक्स्ट मूव क्या है। क्या ये डंप ओवर हो चुका है? प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं? और इसके अलावा आज हम बात करेंगे कि क्यों रिपल यानी XRP वापस $5 के दाम तक जा सकता है। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम कल बात कर रहे थे कि बिटकॉइन जो है, अगर आप देखेंगे ये 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे, ये एक बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म कर रहा है। बुलिश डाइवर्जेंस मतलब अगर आप देखेंगे प्राइस जो है वो लोअर लोज, और अगर और आगे जाइए तो लोअर लोज। लेकिन यहीं पे अगर आप RSI को देखेंगे तो ये जो हमारा RSI है, मैं इसको आपके लिए थोड़ा बड़ा करता हूँ। ओके, तो ये देखिए, अब जो RSI है वो हायर लोज बना रहा है। तो अगर आप यहाँ देखें, ये लो था, ये नेक्स्ट लो है, और इसी को अगर आप आगे ले तो ये उससे नेक्स्ट लो है। जिसका मतलब क्या है कि इन दोनों में डाइवर्जेंस है, मतलब डिफरेंस है। तो जब ये डाइवर्जेंस नीचे की तरफ रहेगी तो इसे बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। अगर ये डाइवर्जेंस ऊपर की तरफ रहे तो इसे बेरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। ओके, तो आप अगर देखेंगे तो RSI भी जो है वो एक फ्लैग बना रहा है, और जैसे ये फ्लैग का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा वो डेफिनेटली होगा, और ये प्राइस वापस ऊपर जाना शुरू करेगा। हो सकता है ये एक छोटा डिप यहाँ और दे और प्राइस हमारे जो है बाय जोन, मतलब अब मैंने तो ऑलमोस्ट यहाँ बाय कर ही लिया है, आई एम नॉट वेटिंग कि वो वापस नीचे आए। लेकिन जिन्होंने नहीं खरीदा है वो अभी भी वेट कर सकते हैं कि शायद एक और छोटा डिप जो है आपको इस लाइन के ऊपर यहाँ, तो ये कुछ ऐसा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, विच इज अगेन ऑन दैट ग्रीन लाइन। तो हमें $42,000 पे बाय लेके चलना चाहिए। ओके, तो जैसे ही ये बुलिश डाइवर्जेंस चलेगा तो हमारा प्राइस जो है वो वापस 57,000 या $60,000 तक चला जाएगा। और देखिए, ये बिल्कुल जाएगा ही, और इसका कारण क्या है कि सब बड़े बड़े कंपनीज जो हैं वो बिटकॉइन खरीद रहे हैं, सब बड़े कंपनीज, और वो बिटकॉइन बेच नहीं रहे हैं। आप देखिए, माइक्रो स्ट्रेटजी वो ये नहीं देख रहा है कि बिटकॉइन का दाम क्या है, वो पैसा जोड़ रहे हैं, बिटकॉइन खरीद रहे हैं और उसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। वैसे ही ग्रे स्केल, वैसे ही टेस्ला, ढेर सारे ऐसे कंपनीज है। अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको ढेर सारे ऐसे कंपनीज मिल जाएंगे जो बिटकॉइन खरीद रहे हैं और वो वापस बेच नहीं रहे हैं। तो हमें भी हमारा बिटकॉइन दोस्तों नहीं बेचना है। अगर आपने ये नहीं खरीदा है तो इसे डॉलर कॉस्ट एवरेज करते जाएं, और अगर आपने ये बिटकॉइन खरीदा है तो उसे स्टिल संभाल के रखे, अपने एक लेजर में मूव कर ले और उसे एक्सचेंज पे ना रखे, क्योंकि एक्सचेंज पे हैक होने का डर होता है। तो अगर आपको बिटकॉइन लेजर पे या अपने वॉलेट में मूव करना है, या कौन सा वॉलेट अच्छा है अगर आपको जानना हो तो जरूर हमारे वीडियो पे कमेंट करें। मैं आपको बताऊंगा कि फ्री वॉलेट कौन से होते हैं और कौन से वॉलेट्स आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हुई बिटकॉइन की बात 4 आवर टाइम फ्रेम पे। लॉन्ग टर्म में अगर जाएंगे तो ये वैसा ही है। तो एक पैराबोला फॉर्म हो रहा है, तो अभी ये तो फर्स्ट बेस है, सेकंड बेस बन रहा है, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, और यहां से वापस हम लोग नीचे। ओके, इसके अलावा अब हम बात करते हैं इथेरियम की। तो ये मैं लाइंस डिलीट कर देता हूँ और हम लोग वेट करते हैं वापस से इसके मूव के ऊपर जाने की। ओके, तो बिटकॉइन के बाद अब हम बात करते हैं इथेरियम की। दोस्तों, बिटकॉइन से ज्यादा जो बुलिश हूं मैं वो हूँ इथेरियम के ऊपर, क्योंकि बिटकॉइन ने अपना, अगर आप देखें तो अपना ऑल टाइम हाई तोड़ के, एक बार मैं वापस से आपको बिटकॉइन दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई, अगर आपको याद होगा, तो वो था $20,000 का। तो हम डेली की जगह वीकली करते हैं ताकि हम इसे और अच्छे से देख सकें। आप ये देखिए, ये उसका ऑल टाइम हाई था, और जैसे ही उसने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा है तो तोड़ते ही सीधा वो वहां से 3 गुना हो चुका है, मतलब 200% का उसने यहाँ से मूव दिया है, ऑलमोस्ट 181%। लेकिन इथेरियम में अभी तक वो मूव आया नहीं है, तो इसीलिए बिटकॉइन से ज्यादा हमें इथेरियम को एक्यूमुलेट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे
इथेरियम ने अपना ये ऑल टाइम हाई तोड़ा है, लेकिन तोड़ के अभी तक हमने सिर्फ $2,000 को ही टच किया है। और अगर आप सेम इसका भी 200% यहाँ से देखते हैं, जो कि बहुत इजी है इथेरियम में, इथेरियम के फंडामेंटल्स को देखते हुए, तो अगर आप यहाँ 200% तक जाते हैं तो ये देखिए $4,000 का इथेरियम आपको मिलेगा। और आप जैसे जानते हैं बिटकॉइन ने भी 20,000 तोड़ने के बाद ज्यादा टाइम नहीं लिया, उसने महज 1 या 2 महीने में ही सीधा अपना प्राइस डबल कर दिया। वैसे ही इथेरियम का भी होगा और ये बहुत जल्दी होगा। और अब हम देखते हैं कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में ये कैसा लग रहा है। ये वीकली कैंडल तो बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, ये तो एकदम जितना उसने 3 हफ्तों में कमाया था वो 1 ही हफ्ते में उसने गंवा दिया है। लेकिन स्टिल ये इसलिए है क्योंकि बिटकॉइन ये मार्केट चलाता है। तो जैसे ही बिटकॉइन साइडवेज जाना शुरू करेगा, इथेरियम वापस ऊपर निकल लेगा। तो अगर आप देखें इसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस है, इसे भी होल्ड करके चले। ओके मैंने खुद यहाँ बाय किया है $1,400 पे और मैं इसे होल्ड कर रहा हूँ, और वापस अगर ये नीचे 1,200 पे आता है तो मैं इसमें और बाय करूंगा, क्योंकि अभी तक बुल रन ओवर नहीं हुआ है। तो कोई भी डिप आए तो उसे खरीदे, अपनी ट्रेड को एवरेज आउट करते रहे, और आपको आपके टारगेट्स पता है $2,000 और $2,660। तो आपका पैसा वैसे भी अगर आप लेवरेज के साथ है या फिर नॉर्मल भी कर रहे हैं, तो आप यहाँ से 40-50% का प्रॉफिट बना सकते हैं। ओके और मैं एक बार देख लेता हूँ कि जो मैंने बोला 40-50, हाँ जी, तो 80% का प्रॉफिट है अगर हम 26 पे जाते हैं, बट वही 40% का प्रॉफिट है $2,000 के लिए। ओके तो ये तो हुआ बिटकॉइन और इथीरियम। ओके और इथीरियम में मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ। मुझे पता है हम सब वेट कर रहे हैं इथीरियम 2.0 का, लेकिन जिस दिन वो आ गया इथीरियम 2.0, उस दिन इथीरियम को रोकना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए यही बेस्ट टाइम है, कोशिश कीजिए कम से कम 32 इथीरियम इकट्ठे कर ले, ताकि आप इसका स्टेकिंग भी कर पाए, और अभी ये सस्ता है तो आप इसे खरीद सकते हैं। एक बार ये $5,000-6,000 के ऊपर गया तो ये सीधा $10,000 पे जाएगा बिना रुके। ओके तो कोशिश करें जैसा भी हो सके, आप जैसे भी एवरेज कर सके, इसको खरीदते जाए। तो दोस्तों ये तो बात हुई बिटकॉइन और इथेरियम की, अब हम बात करेंगे रिपल की, कि क्यों रिपल जो है वापस से $5 पे जा सकता है। अभी अगर आप रिपल का चार्ट देखेंगे तो वो बहुत ही बुरा है, मैं आपको दिखाता हूँ, डेली पे जाते हैं। ओके तो आप देखिए ये बहुत अच्छा मूव ऊपर था, लेकिन जैसे ही ऊपर गया ये बहुत अपने पुराने लो को भी इसने तोड़ा और एक लोअर लो बनाया। फिर इसने कोशिश की तो ये अपने हाई को नहीं तोड़ पाया और एक और लो बनाया। ओके तो लेकिन अभी तक ये जो लो है हमारा, ये लोअर लो नहीं है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारा पहला लो, उसके बाद हायर लो। अब अगर हम यहाँ से रिवर्स करते हैं तो ये एक और हायर लो, जिसका क्या मतलब है कि ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो रहा है। इसके अलावा अगर एक चीज आप और देखेंगे दोस्तों, तो ये हम लोग एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स बना रहे हैं। ये आपका हुआ लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर, और अभी होगा क्या, ये यहाँ से यहाँ वापस जाएगा, तो ऐसे आपका जो पैटर्न है वो पूरा कंप्लीट होगा। तो ये आपका बनेगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर, और इसका टारगेट जो रहता है वो क्या रहता है, वो रहता है हेड की लेंथ। तो अगर आप यहाँ से हेड की लेंथ लेते हैं और यहाँ ब्रेकआउट पे रखते हैं, तो ये रहा आपका टारगेट $1। और अगर वो $1 के टारगेट को खत्म करता है, तो यहाँ तो प्रॉपर चार्ट नहीं दिखेगा, तो मैं आपको कॉइन मार्केट कैप के ऊपर चार्ट दिखाता हूँ, कि जैसे ही वो $1 तोड़ता है, शायद यहाँ हमें मिल जाए, एक सेकेंड, USD कॉइन बेस है क्या यहाँ, बिनेंस कॉइन बेस नहीं है, शायद बिट स्टैम्प पे अगर इससे ज्यादा इसकी हिस्ट्री हो तो। हाँ देखिए ये देखिए, तो अगर ये अपने प्रीवियस हाई, अगर आप यहाँ जाते हैं तो हम लोग ये वाला मूव देखते हैं। ओके तो यहाँ अगर आप देखिए 14 दिसंबर 2017 को इसने $1 को यहाँ तोड़ा था, उसके बाद थोड़ा वापस उसने अपना ये जो क्या कहते हैं पैटर्न्स को रीसेट किया। ओके
और रीसेट करने के बाद वो सीधा जाके रुका ऑलमोस्ट $3 पे। ओके, और ये तो तब की बात थी, अभी तो रिपल और फेमस है, लोगों को पता है, काफी कंपनीज के साथ इनका टाई अप है, ये मेक्सिको का आधे से ज्यादा ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर जो है वो इनके थ्रू हो रहा है। तो ये अभी इसके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है, और देखिए इसने बहुत देर तक ऐसा कंसोलिडेट किया है, और अगर आप इसे अच्छे लंबे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसने ये अपना हाई तोड़ दिया है, जो इसका प्रीवियस हाई था यहाँ पे, तो वो उसने तोड़ दिया है, और अभी ये उसी को अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट बना के, ऑलमोस्ट सपोर्ट नहीं है बट ठीक है, तो ये अभी वहीं पर है, और ये एक कारण हुआ कि ये चार्ट्स में अच्छा लग रहा है। XRP, ओके, RSI भी हमारा अच्छा है, वापस ऊपर जा सकता है, तो $1 का टारगेट तो हमें बहुत जल्दी दिखने वाला है। उसके बाद जो हमारा फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा $5 का। ओके, तो वो हम यहाँ इसे लेते हैं, ये हमारा जो है सेकंड टारगेट रहेगा, और ये हमारा रहेगा थर्ड टारगेट। ओके, और चार्ट के अलावा जो बाकी चीजें हैं, मैं आपको इसके बारे में न्यूज में भी बताना चाहता हूँ। अभी क्या हुआ है, रिपल ने जो है वो NFTs अपने लेजर के ऊपर लॉन्च करने का प्रपोजल दे दिया, उसने अपने डेवलपर्स को वो बनाने के लिए बोला है। NFTs जो है वो अभी देखिए, जैसे डीफाई का एक बूम आया था, वैसे ही अभी NFTs का भी आ गया है। 2017 में भी NFTs आए थे बट इतने चले नहीं, लेकिन अभी वो वापस से चलने शुरू हो गए हैं। NFTs को बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स। तो जैसे ही XRP अपने लेजर के ऊपर NFTs को लॉन्च कर देगा, तो इसका प्राइस रुकने वाला नहीं है, इसीलिए ये बहुत अच्छा टाइम है कि अभी इसको एक्यूमुलेट किया जाए। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहें तो ये लिंक मैं अपने वीडियो में पोस्ट करूंगा, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा एक और मैं आपको न्यूज इसके बारे में बताना चाहता हूँ, जो है ये भी डेली हॉडल के ऊपर ही आया, एक टॉप के एनालिस्ट है। ओके, उन्होंने भी ये बोला है कि XRP जो है वो एकदम तैयार है इरप्ट होने के लिए, स्टिल वो नहीं खरीदेंगे, वो उनका परसेप्शन है या उनका वो है, लेकिन ये है कि ये रेडी है। और इन्होंने भी देखिए वैसा ही बताया है कि हेड एंड शोल्डर जो है बन रहा है, और ये अभी जो है वो वापस से बूम होने वाला है। और ये पीटर ब्रांड्स है वो एनालिस्ट, और अगर आप देखेंगे तो इनके जो फॉलोअर्स है वो 4 लाख फॉलोअर्स है दोस्तों। तो अगर इनके फॉलोअर्स ने, अगर मान लीजिए $10-$10 भी रिपल में डालना शुरू कर दिया, तो रिपल का प्राइस यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए रिपल पे ध्यान दे, इसको खरीद के चले, अभी बहुत अच्छा टाइम है, खरीदे और अपना होल्ड करे नेक्स्ट बुल रन के लिए, और ये रहेंगे हमारे टारगेट्स। तो अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे ये जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं इनको ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे हम ये डेली ट्रेड जो है वहाँ पोस्ट करते हैं, हम लाइव अपडेट देते हैं, और वहाँ बाकी सब ट्रेडर्स एक दूसरे की मिलके हेल्प करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।